इस साल कोरोना का कहर फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे कहर बन चुका है, क्योंकि एक के बाद एक फिल्मी सितारों को तकलीफ झेलनी पड़ रही है। बड़ा सदमा एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री को लगा है, क्योंकि एक और बड़े सितारे के निधन की दुख भरी खबर आ गई है। जी हाँ, तेलुगु एक्टर कोसूरी वेणुगोपाल अब हमारे बीच नहीं रहे। हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त काम किया, आज वो हमारे बीच नहीं है। थेगिम पू के जरिए उन्होंने साल 1994 में डेब्यू किया था। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के जन्म लेने वाले नरसापुर के रहने वाले कसूरी वेणुगोपाल बहुत बड़ा नाम में से एक थे। कोरोना वायरस से ही वो संक्रमण में आए और कोरोना के संक्रमण में बीते 23 दिनों तक वो लाइफ सपोर्ट के जरिए रह रहे थे। अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस के संक्रमण में आए। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन माँ आशा लता ने भी कोरोना वायरस का दर्द झेला। अमिताभ को इस बीमारी से राहत मिले, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से ही ताल्लुकात रखने वाली जंजीर फिल्म में अमिताभ की मां का रोल करने वाली आशा लता बबगांवकर का कोरोना की वजह से निधन हुआ। और अब ये निधन, सुशांत सिंह राजपूत के जांच के बीच ये कोरोना की वजह से नया निधन कोसूरी वेणुगोपाल का आया है। बहुत ही ज़्यादा उनकी स्थिति आखिरी समय में बिगड़ गई थी, जो कि लंबे समय से बीमारी से लड़ते लड़ते आखिरकार हार गए। आखिरी बार उन्हें फिल्म मोहना कृष्णा इंदिरा गांधी की डायरेक्टर अमी थेम्यू में देखा गया था। इसके अलावा बात की जाए अगर उनकी करियर की, तो करियर खूबसूरत रही है, बताना चाहेंगे हम आपको। इसी के साथ साथ बात की जाए अगर स्टारडम की, तो एसएस राजा मौली डायरेक्टर मर्यादा रामन्ना से उनकी बहुत ज़बरदस्त पहचान बनी। इसके अलावा उन्होंने फिल्म छालो, विक्रम, कुर्दू जैसी फिल्मों में काम किया, जिसकी बदौलत उन्हें पहचान मिली। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।